हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि घर को साफ सुथरा कैसे बना के रखें, तो मैं अपने डेली यूज काम में इन कामों को कैसे ले लेती हूँ, हैंडल कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोग को। आप सब ये सब मेरे ड्रॉर को देख रहे हो, ये पहले कपड़े का ड्रॉर था, मैं इसमें कपड़े रखती थी, लेकिन अब मैं इसमें कपड़े नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पर नया घर लिया है भाड़े से, वहाँ पर किचन नहीं बना हुआ है, तो मैं इसी ड्रॉर का यूज़ करती हूँ और इसी पे मैंने किचन अपना सेटअप किया है। और ये मैं होममेड लिक्विड ले रही हूँ, लिक्विड क्लीनर है, मैंने इसे भी घर पे ही बनाया था, तो इसकी हेल्प से मैं इस ड्रॉर को पहले साफ़ कर ले रही हूँ। और ये बबल वाले प्लास्टिक है, इसको मैं कट करके दो भाग में इसको बिछा लूँगी, जिससे कि कभी भी कोई गंदगी होगी तो ऊपर आ जाएगी और मैं ऊपर से ही निकाल लूँगी। और नीचे मैंने डबल टेप का यूज किया है, इसके हेल्प से वो स्टिक रहेगा और जल्दी से निकलेगा नहीं। सारे मसालों के डब्बों को उस पर रख ली हूँ, और मसाले के डब्बों को सब साफ़ करने के लिए यहाँ मैंने डिश लिक्विड का यूज़ किया है, और इस तरह से एक चिंदी ली हूँ, ये आपको इजीली आपके घर में मिल जाएगा, नहीं तो आप स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्क्रब का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने डब्बों पर DIY किया है। पहले वो कुछ वाइट कलर के दिखते थे, ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन मैंने उनको DIY किया है तो वो कुछ ऐसे अब दिखते हैं। दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ऐसे दिखते थे पहले और अब वो ऐसे सारे दिखते हैं। तो एक कलर के रहते तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको DIY करके ही रखती हूँ। और ये सेकेंड नंबर का बास्केट है, तो उसमें मैं सारे कैलची, चम्मच, स्पून, स्पैचुला और मेजरिंग कप, इस तरह के सारे बर्तन मैं उसमें रखती हूँ, तो मुझे इजी पड़ता है रखने में, क्योंकि अब किचन नहीं है तो थोड़ा सेटअप करना पड़ता है। तो सारे बड़े कलछे को मैं इस तरह से क्रॉस करके रख ले रही हूँ, और ये अलग से मैंने एक बास्केट लिया, उसमें मेजरिंग स्पून, छोटे मोटे स्पून, जो मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है अगर मिक्स हो जाता है, तो मैं इसलिए अंदर ही रख लेती हूँ। इसके सबको साफ़ करके सुखा के अच्छे से रख लेती हूँ। ये सारे काम मैं रोज डेली के करती हूँ, जब मैं देखती हूँ बर्तन घसने जाती हूँ तो पहले मैं देख लेती हूँ कि कुछ अगर है तो लाओ उसी के साथ, बर्तन के साथ बाकी थोड़े काम भी कर लूँ, इससे मेरा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहता है। ये थर्ड नंबर का ड्रॉ है, उसमें मैं सारे ऐसे बाउल, स्टील के बाउल और कांच के, और जो भी चाय वाले मग है वो सब उसी में रखती हूँ, तो इनको भी आज मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं किसी दिन फ्रिज और किसी दिन अलमारी, किसी दिन कुछ और, ऐसे अलग अलग दिन में अलग अलग काम करते रहती हूँ, इससे मेरा घर नीट एंड क्लीन बना रहता है। मुझे एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं देना होता कि अलग से किसी दिन मुहूर्त निकालूं और फिर काम करूं, ऐसा कुछ नहीं। सारे कप को, अरे बाउल्स को मैंने रख लिया हूँ, अब हो गए सारे सेटअप हो गया है, ये देख सकते हो आप लोग, 1, 2 एंड ये थर्ड वाला, ये रहा। तो इस तरह से मैं अपने डेली काम को कंप्लीट करती हूँ और अपने किचन को हमेशा मेंटेन बना के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि कैसे मैंने मेरा किचन साफ़ कर लिया पूरा, और ये सारे तरीके मेरे डेली के हैं और ये मेरे खुद के हैं। मैं पर्सनली मानती हूँ कि हमें डेली थोड़ा बहुत ऐसा किचन अपना साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे हमें ही हेल्प होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन पकड़ा महीने में, साल में, और उस दिन लगे पूरे घर की सफाई करने, जैसे हमें ही भारी पड़ता है। ज़्यादा सफाई एक साथ करने से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये हमको ही भारी पड़ता है। तो इसलिए मैं छोटे मोटे काम रोज डेली निकाल लेती हूँ, जैसे घर का झाला मारना, कलर इधर उधर हुआ है उसको देखना, या किचन में क्या सामान गिर रहा है, क्या है इधर उधर कुछ रखा है, या फ्रिज का कुछ सामान हुआ, स्टेन का हुआ, बर्तन का हुआ, जो भी मैं देख सकती हूँ, क्योंकि सारा काम तो मुझे ही करना होता है ऑब्वियसली। तो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ वो सारे काम अपने धीरे धीरे। पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद जब मेरा बर्तन घसने का टाइम आता है तो उस टाइम पर मैं ये देखती हूँ कि हाँ मुझे कौन सा ऐसा काम है जो मैं घर में कर सकती हूँ, कौन सा सामान किधर रखा है, लाओ आज ड्रॉर साफ कर दो, आज बेड की सफाई कर दो, आज अलमारी की सफाई कर दूँ। छोटे मोटे काम मैं डेली वर्क में ले लेती हूँ, तो इससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही करो, थोड़े बहुत काम निकाल लिया करो अपने टाइमिंग के हिसाब से, आपका जो भी टाइमिंग है, आपके पास जितनी टाइमिंग बचती है आप उस हिसाब से निकालो। नहीं है आज नहीं है तो कल हो जाएगा टाइमिंग, कल आप कर लो। मगर इस तरह से करने से, जैसे कॉकरोच की प्रॉब्लम
ज़्यादातर आ जाती है लेडीज़ के पास, और अक्सर करके ये प्रॉब्लम किचन में ही आती है। तो किचन में ऐसा ना हो, इसलिए किचन की तो हमें डेली रूटीन सफाई करनी ही चाहिए। तो आप लोग अगर मेरी चैनल पे पहली बार आए हो और मेरे चैनल को पहली बार विजिट किए हो या देख रहे हो, तो अपना एक छोटा सा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए। और ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो आप सबका सपोर्ट बना के रखें। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी चाहती हूँ ब्लॉगिंग करना, तो बहुत हिम्मत करके 2-3 साल में हिम्मत जुटाया। लोगों का साथ और प्यार चाहिए, तो मेरे साथ बने रहे मेरे अगले ब्लॉग में देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे शेयर ज़रूर करें। तब तक खुश रहे जहाँ कहीं भी रहे, और अपना और अपनों का ख्याल रखें।